हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपीडिया। आज मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो माउस का, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली इंटरनेट मोस्ट वीर्ड वेबसाइट्स वाली वीडियो में बताया था कि मैं आपको अगली वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि माउस का जो मिडल बटन होता है, जो कि क्लिकेबल बटन होता है, उसका यूज़ क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको माउस दिखाता हूँ। ये जो बटन है, ये स्क्रॉल बार है, और अगर हम इसको दबाएं तो जैसे इसके देखते हैं क्लिक की साउंड आ रही है। मुझे पता नहीं आप सुन पा रहे हैं, पर ये क्लिकेबल होते हैं, मैं आपको ये बता दूँ। तो ये क्लिकेबल होता है, तो हम देखने जा रहे हैं कि ये हम इसको क्लिक करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है क्लिक करने का। 5-6 तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको पॉइंट्स में 1, 2, 3, 4 सब आपको बताऊँगा कि आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। पहले तो हम देखें तो ये बटन कई कई गेम्स में यूज़ होता है, कई कई पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो अगर आपने प्रिंस ऑफ पर्शिया, कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसी फाइटिंग गेम्स देखी हो, खेली हो, तो उसमें ये जो मिडल बटन होता है उसमें हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी को उठाना है, उसकी हेल्प करनी है, तो हिटमैन में ये मिडल बटन यूज़ आता है, और ऐसे अलग अलग गेम्स में अलग अलग टाइप से ये मिडल बटन का यूज़ होता है। तो हम इसको क्लिक करके वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड इसका होता है कि हम जैसे अगर आप कोई वेब पेज पे जाएं तो उस पर अगर कोई लिंक है, तो बेसिकली हम अगर उसको नए टैब में खोलें तो हम करते क्या है, दो मेथड हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उसको राइट क्लिक किया और ओपन इन न्यू टैब ऐसे कुछ लिखा तो उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वो लिंक कोई और टैब में, दूसरे टैब में खुल जाता है। या फिर हम करते हैं, हम कंट्रोल दबाते हैं और उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो फिर भी वो लिंक दूसरे टैब में खुल जाता है। पर जो मिडल माउस है, अगर हम इसको वो लिंक पे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर हम ये जो माउस है कर्सर, उसको स्क्रीन पे लेके जाएं, वो प्ले लिंक पे लेके जाएं, तो हम फिर दबाएं ये मिडल माउस बटन, तो फिर वो ये जो लिंक होगा उस लिंक को नए टैब में खुल जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, अगर आपने लिंक दूसरे टैब में खोलने का, मिडल बटन भी दबा सकते हैं। और थर्ड यूज़ इसका न्यू टैब में खोलने का ये, बेसिकली ये लिंक को, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड में कि लिंक को नए टैब में खोलता है, वैसे ही जैसे अगर आप कोई, मान लीजिए अगर आप कोई गूगल पे सर्च करके आप कोई वेबसाइट पे चले गए, पर अगर आपने वेबसाइट वो आपको पसंद नहीं है, आपने बैक पे जाना है, तो बेसिकली हम करते हैं बैक बटन दबा देते हैं, जो हमारे ब्राउजर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर इधर किधर होता है, तो उसको दबाने के बाद हम बैक पे चले जाते हैं। पर अगर हम उसकी जगह हम लेफ्ट माउस बटन उधर दबाते हैं, और उसकी जगह हम उधर कर्सर लेके ये मिडल माउस बटन दबाएं, तो वही जो पेज होगा हमारा, पिछला पेज होगा, मतलब कि अगर मैंने गूगल पे जाके फेसबुक सर्च करके facebook.com में गया, तो facebook.com में अगर मैं बैक बटन दबाऊंगा ये मिडल बटन दबा के, मिडल बटन वो प्रीवियस पेज के बटन पे दबाऊंगा, तो वो जो गूगल जिसमें मैं सर्च किया होगा google.com, और मैंने सर्च क्वेरी डाली होगी फेसबुक, वो एक नए टैब में शो होगी, मतलब कि दो अलग अलग टैब बन जाएंगे। पर अगर मैं सिंपली प्रीवियस बटन दबाता तो facebook.com अरेज हो जाना था, गायब हो जाना था, और फिर वो आता, ये मेरी जो क्वेरी है फेसबुक वाली वो फिर आती। पर इससे होता क्या कि अगर हम, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, facebook.com पर हमने दबाया, तो अगर हम ये मिडल बटन दबाएंगे उस पर, तो वो जो हमारी सर्च क्वेरी है वो दूसरे टैब पे खुल जाएगी, तो हम साइमल्टेनियसली दूसरे दोनों को देख पाएंगे। तो एक ये इसका हो गया अभी, और ऐसे ही इसका हम नेक्स्ट बटन पे भी कर सकते हैं। अगर मैंने कोई सर्च क्वेरी कि मैंने google.com पे मैं गया, मैंने फेसबुक सर्च किया, facebook.com में जाके मैंने दोबारा बैक किया, तो अगर मैं राइट, जो नेक्स्ट बटन होता है, नेक्स्ट बटन पे मैं मिडल बटन दबाऊं, तो मिडल बटन अगर मैं दबाऊं तो वो नए टैब में खुल जाएगा, मतलब कि facebook.com अलग टैब में, और google.com पे जो मैं फेसबुक टाइप किया है वो अलग टैब में। और वैसे ही अगर मैं आपको चौथा और पंजवा जितने भी रह गया वो बताऊँ, तो मिडल बटन बेसिकली चीज़ों को नए टैब में खोलने के लिए काम आता है। अगर आप बुक मार्क्स जो बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे, तो ये मिडल बटन के साथ क्लिक करेंगे, तो वो बुक मार्क्स एक टैब की तरह नए पेज में खुल जाएगा, सॉरी नए टैब में खुल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम होम बटन पे क्लिक करेंगे ये मिडल बटन के साथ, तो फिर वो होम बटन दूसरे टैब में खुल जाएगा, नए टैब में खुल जाएगा। और ऐसे आप अलग अलग चीज़ें नए टैब में खोल सकते हैं होम बटन, सॉरी मिडल बटन के यूज़ से। और दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बस यही बताया था कि आप कैसे मिडल बटन को यूज़ करके नई नई चीज़ें, सॉरी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जो आप वैसे अलग अलग कीबोर्ड शॉर्टकट या फिर राइट क्लिक करके करते थे। और मैंने आपको कई कई इसके मेथड्स बताए हैं, और आपको पता चल गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना,
और अपने फैंस और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल पाए कि मिडल माउस बटन जो क्लिकेबल होता है उसका यूज़ क्या होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देख पाए। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।